नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द क्लियर फैक्ट्स टीवी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बैकग्राउंड डांसर के बारे में जो अभी के समय के बॉलीवुड के सुपरस्टार में गिने जाते हैं। दोस्तों, ये बैकग्राउंड डांसर अपने कैरियर के शुरुआत में हीरो हीरोइन के पीछे डांस किया करते थे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे बैकग्राउंड डांसर के साथ जिन्हें आप कई सारे हिट मूवीज में और कई सारे बॉलीवुड के हिट सॉन्ग में देख चुके होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौनी रॉय के बारे में। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर की थी। इन्हें आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कस्तूरी, नागिन, नागिन 2, देवों के देव महादेव जैसे टीवी सीरियल में देख चुके होंगे। पर इससे पहले वो 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की फिल्म रन में एज ए बैकग्राउंड डांसर अभिषेक बच्चन के साथ डांस करते देखी गई थी। उसके बाद 2006 से क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाम के टीवी सीरियल में काम करना शुरू की थी। ये साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर मूवी KGF अक्षय कुमार की गोल्ड मूवी में भी काम कर चुकी हैं। मौनी रॉय बहुत ही अच्छी डांसर हैं। इन्हें आप झलक दिखला जा, नच बलिए जैसे डांस रियलिटी शो में भी देख चुके होंगे। इन्हें आप कई सारे और भी बॉलीवुड के सॉन्ग में डांस करते देख चुके होंगे। आज मौनी रॉय का नाम बॉलीवुड के वेल पेड एक्टरों में गिनी जाती है और ये बहुत अच्छे चार्ज भी करते हैं अपने सॉन्ग के लिए और मूवी के लिए भी। दोस्तों, मौनी रॉय अपनी खूबसूरती से नागिन नाम के सीरियल से बहुत ज्यादा नेम और फेम कमाई थी। उसके बाद तो इनके कैरियर ही बन गए और इनकी जिंदगी सवरती चली गई। चलिए दूसरे नंबर पे है डेजी शाह। डेजी शाह भी अपने कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर की थी। इन्हें आप सलमान खान की मूवी जय हो, रेस 3, हेट स्टोरी 3 जैसे फिल्मों में भी देख चुके होंगे। डेजी शाह एक्चुअली मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के असिस्टेंट के रूप में काम करती थी और अब ये बॉलीवुड के मशहूर हीरोइन बन चुकी हैं। इन्हें आप ऋतिक रोशन की मूवी आप मुझे अच्छे लगने लगे के सॉन्ग ओरी गोरी में ऋतिक रोशन के साथ एज ए बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म करते देख सकते हैं। सलमान खान के हिट फिल्म तेरे नाम के सॉन्ग लगन लग गई में सलमान खान के साथ डांस करती नजर आई थी। इन्हें आप हमको दीवाना कर गए अक्षय कुमार के फिल्मों में भी एज ए बैकग्राउंड डांसर अक्षय कुमार के साथ डांस करते देख सकते हैं। गरम मसाला में जॉन अब्राहम और मस्ती मूवी में रितेश देशमुख के साथ भी इन्हें डांस करते देख सकते हैं। इसके अलावा कई और मूवीज में भी एज ए बैकग्राउंड डांसर ये परफॉर्म कर चुकी हैं। तो दोस्तों, डेजी शाह आज बहुत ही अच्छे वेल पेड आर्टिस्ट में गिनी जाती हैं। बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर हीरोइन बन चुकी हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे हैं फराह खान। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर की थी। ये कम से कम 100 से ज्यादा मूवी में भी काम कर चुकी हैं एज ए कोरियोग्राफर और कितने गानों में कोरियोग्राफर की भूमिका निभा चुकी हैं। टीवी रियलिटी शोज को जज भी कर चुकी हैं जैसे कि इंडियन आइडल, झलक दिखला जा, नच बलिए, जस्ट डांस और भी कई सारे शोज हैं। ये बॉलीवुड मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। इनकी मूवी जैसे कि मैं हूं ना, ओम शांति ओम जो कि हिट मूवी रही थी, हैप्पी न्यू ईयर आपने देखे ही होंगे। इन्होंने भी अपनी कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर की थी। इन्हें आप 1986 के फिल्म सदा सुहागन के सॉन्ग हम हैं नौजवान में गोविंदा के पीछे डांस करते देख सकते हैं। 1987 में आई फिल्म 7 साल बाद में जावेद जाफरी के साथ बैकग्राउंड में डांस करते देख सकते हैं। आज ये कई सारे डांस रियलिटी शोज के जज के रूप में देखी जाती हैं और ये भी अपने एक एक गाने के लिए बहुत रुपए चार्ज करती हैं। तो फराह खान भी आज बॉलीवुड के बहुत ही नामचीन हस्ती बन चुकी हैं। चौथे नंबर पे हैं सनाया ईरानी, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं जिन्हें इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल से काफी नेम फेम मिला था। इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत 2006 में आमिर खान की फिल्म फना से की थी। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटे से किरदार किए थे जिसका नाम था महबूबा। इसी फिल्म के सॉन्ग रंगीला में भी आप इन्हें डांस करते देख सकते हैं। इन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म सावरिया में भी एक छोटे से रोल में नजर आई थी। इस फिल्म के गाने में भी डांस करते नजर आई हैं। ये कई सारे सॉन्ग्स में भी नजर आ चुकी हैं और कई सारे वेब सीरीज भी कर चुकी हैं। आज सनाया ईरानी किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये कई सारे डांस रियलिटी शोज में भी नजर आई हैं जैसे कि झलक दिखला जा, नच बलिए जैसे शोज में भी आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, ये भी अच्छी खासी चार्ज करते हैं अपने सॉन्ग्स और मूवी के लिए। दोस्तों, पांचवे नंबर पे हैं वेरी टैलेंटेड एंड सुपरस्टार एक्टर
सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड के एक जीनियस एक्टरों में गिने जाते हैं, इनकी फिल्म एमएस धोनी, राबता, छिछोड़े और केदारनाथ जैसे हिट मूवी भी आपने जरूर ही देखे होंगे। इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर किया था। ये बॉलीवुड के कई सारे हिट मूवी दे चुके हैं। ये भी अपने फिल्मी कैरियर से पहले श्यामक डावर डांस ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। 2006 में कॉमनवेल्थ गेम के इवेंट्स में ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करते नजर आए थे। बॉलीवुड के कई सारे गाने में हीरो के साथ ये डांस करते नजर आए हैं। छठे नंबर पे हैं अरशद वारसी, जिन्हें आप मुन्ना भाई के सर्किट के नाम से ज्यादा जानते होंगे। इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर किया था। फिल्मी कैरियर से पहले अरशद वारसी अकबर समी डांस ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। दरअसल अरशद वारसी 14 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो चुके थे, जिसके कारण इनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये महज 17 साल की उम्र में ही डोर टू डोर कॉस्मेटिक बेचने का काम किया करते थे। उसके बाद इन्होंने डांस ग्रुप ज्वाइन किया और धीरे धीरे इनके कैरियर निखरती चली गई। इन्होंने 1987 में आई फिल्म काश और ठिकाना में भी एज ए कोरियोग्राफर काम किए हैं। ये कई सारे गाने में एज ए बैकग्राउंड डांसर भी काम कर चुके हैं। 1989 के फिल्म आग से खेलेंगे के सॉन्ग हेल्प मी में भी एज ए बैकग्राउंड डांसर दिखे हैं। दोस्तों, अरशद वारसी भी बहुत स्ट्रगल के बाद अपने नाम कमाए हैं और आज बॉलीवुड के फिल्मों में बहुत अच्छी खासी रकम चार्ज करते हैं। और अरशद वारसी आज किसी के नाम के मोहताज नहीं है। सातवें नंबर पे हैं एजाज खान, जो कि एक टीवी एक्टर हैं। इन्हें भी आप कई सारे मूवीज, कई सारे वेब सीरीज में भी देख चुके होंगे। इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर किया था। एजाज खान गणेश हेगड़े के डांस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इन्हें आप फिल्म चाची 420 में एज ए बैकग्राउंड डांसर देख सकते हैं। ये कई सारे हिंदी फिल्म के गानों में भी एज ए बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म करते दिख जाएंगे। ये सलमान खान के लिए भी एज ए बैकग्राउंड डांसर काम किया करते थे। ये कई सारे टीवी सीरियल में भी एज ए लीड नजर आए हैं। तो एजाज खान आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। दोस्तों, आठवें नंबर पे हैं रेमो डिसूजा। इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड डांसर किया था। ये अपने स्टडीज के दिनों में भी एक डांस के ग्रुप चलाया करते थे, जिसका नाम था सुपर ब्रैट। रेमो डिसूजा ने जब एक डांस कंपटीशन जीता था, तब इनके ऊपर मशहूर कोरियोग्राफर अहमद खान की नजर गई थी और उन्होंने इन्हें स्पॉट किया था और इन्हें एज ए असिस्टेंट काम दिया था। और उसके बाद रेमो डिसूजा कई सारे बॉलीवुड के गाने में एज ए बैकग्राउंड डांसर काम किया था। फिर बाद में इन्होंने बहुत सारे गानों को कोरियोग्राफ भी किया है और यहाँ तक कि ये कई सारे मूवीज भी डायरेक्ट कर चुके हैं और आज एज ए कोरियोग्राफर, एज ए फिल्म डायरेक्टर भी जाने जाते हैं। ये भी अपने एक गाने की कोरियोग्राफी के लिए बहुत अच्छे चार्ज करते हैं और आज रेमो डिसूजा किसी नाम के मोहताज नहीं है। दोस्तों, 90 नंबर पे हैं मास्टर मर्जिद, जिन्हें आप कई सारे टीवी रियलिटी शोज के जज के रूप में देखे होंगे। मास्टर मर्जी भी श्यामक डावक डांस ग्रुप के हिस्सा रह चुके हैं और वहीं से इन्होंने अपने डांस करियर की शुरुआत की थी। मास्टर मर्जी भी कई सारे बॉलीवुड के गाने में एज ए बैकग्राउंड डांसर आपको दिख जाएंगे। मास्टर मर्जी भी आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज ये भी अपने एक गाने के लिए बहुत अच्छे चार्ज करते हैं और एक समय था जब मास्टर मर्जी किसी हीरो हीरोइन के पीछे डांस किया करते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते रहें।